प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश के पंत प्रधान बनने के बाद पूरे देश भर में रेलवे नेटवर्क और रेल सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से जो काम किया गया वो वास्तव में बहुत अद्भुत है। हमारे बुंदेलखंड में जब रेल चलना प्रारंभ नहीं हुई थी, ट्रैक भी नहीं बिछा था, मैंने उस समय उदयपुरा से लेकर और चंद्रपुरा तक पदयात्रा की थी। रेल सुविधाएं प्रारंभ किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्वगण कार्यकर्ता उसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। उसके बाद फिर जो लगातार प्रयास हुए तो रेक भी पूरा हुआ और रेलवे ट्रैक बिछाने के बाद हमको धीरे धीरे करके रेल की सीमाओं का, दूर की रेल की सीमाओं का लाभ भी यहाँ पर मिलने लगा। लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, बीच के जो स्टेशन पड़ते हैं, वहाँ के नागरिक, उनके आसपास ट्रेन नहीं रुकने से उनको परेशान होना पड़ता था। ये जो पैसेंजर ट्रेन चलना प्रारंभ हुई है, ये दो फेरे इसके बढ़ाए गए हैं। ये दो फेरे में चलने के कारण ललितपुर आसानी जा सकेंगे। बीच के जो हमारे स्टेशन हैं, उन स्टेशनों के आसपास जितने गांव हैं, उन गांव में रहने वाले लोग भी इस पैसेंजर ट्रेन की सुविधा का लाभ ले सकेंगे और ललितपुर पहुंचकर गंतव्य स्थल पर, जिसको दिल्ली की ओर जाना है या भोपाल की ओर जाना है, तो वहाँ से बहुत सारी ट्रेनों की सेवाओं का लाभ भी उनको मिल सकेगा।